नमस्कार, मैं बुलेटिन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम, लेकिन यही उम्मीद जब टूटती है तो जिंदगी जहन्नुम सी लगने लगती है। जिंदगी जीने की कोई वजह सामने नहीं बचती, क्योंकि उम्मीद नहीं तो कुछ नहीं। कुछ ऐसी ही उम्मीदें यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से सूबे की महिलाओं, सूबे की बेटियों को। उम्मीद कि योगी राज में यूपी के सड़कों में वो आजाद होकर घूम सकेंगे। उम्मीद कि कोई मंचला उन्हें नहीं छेड़ेगा। उम्मीद कि कोई दरिंदा दरिंदगी को अंजाम नहीं देगा। अश्लील फब्तियां सुन सुनकर जो कान कांप गए थे उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन विडंबना देखिए, ये उम्मीद इस सरकार में भी दम तोड़ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरठ हो या मुजफ्फरनगर, बस्ती हो या बलिया, बुलंदशहर हो या सिद्धार्थनगर, लगभग हर जगह महिलाओं और बेटियों के साथ रोजाना अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। हैवानियत हो रही है, दरिंदगी हो रही है, कहीं मार दिया जा रहा है तो कहीं मरने को मजबूर किया जा रहा है। हर ओर से एक ही पुकार है, सीएम साहब बेटियों को बचाओ। आज बिग बुलेटिन में चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे इस मुद्दे पर सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों से ही। प्रदेश सरकार द्वारा एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन जैसे प्रभावी कदम उठाए गए। किस काम का सीएम का ओज पूर्ण भाषण, शहर शहर हो रहा बेटियों का शोषण, आबरू की आग में जल रही बेटियां, योगी जी यूपी में बेटियों को बचाओ। बिल्कुल, हर ओर से बस एक ही पुकार है, योगी जी बेटियों को बचा दें। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट के जरिए जरा यूपी के जमीनी हालातों को समझिए, यूपी की महिलाओं की स्थितियों को समझिए, बेटियों की बेबसियों को समझिए, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। ये तस्वीरें बेबसी की बेड़ियों में जकड़ी बेटियों की दर्द भरी दास्तां बयां कर रही है। ये तस्वीरें शर्म से पानी पानी कर रही है। ये तस्वीरें सरकार की सोच पर सवाल खड़े कर रही है। ये तस्वीरें पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रही है। चीख चीख कर कह रही हैं ये तस्वीरें कि यूपी में बेटियों को बचा दो, अब और नहीं सही जाएगी बेटियों की आबरू की नुमाइश। उनके साथ हो रहा हैवानियत का नंगा नाच अब सीने में सुराख कर रहा है। कहां है सीएम साहब जो कहते नहीं थकते थे कि यूपी में अब महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें समान अवसर देने के लिए प्रभावी प्रयास कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और सम्मान के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। इसके दृष्टिगत सत्ता में आते ही प्रदेश सरकार द्वारा एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन जैसे प्रभावी कदम उठाए गए, जिनका असर पूरे प्रदेश में हुआ और महिलाएं तथा बच्चियां अब पहले से सुरक्षित महसूस कर रही। बस कीजिए सीएम साहब, आपके इन दावों के चीथड़े उड़ गए। ठीक उसी तरह जैसे शहर शहर और गांव गांव महिलाओं बेटियों की इज्जत के चीथड़े उड़ रहे। ज्यादा पीछे मत जाइए, पिछले एक हफ्ते में ही यूपी के कोने कोने से हैवानियत और दरिंदगी की ऐसी खबरें सामने आई जिन्हें बताने में भी शर्म आती। मेरठ में जहां शहीदों के आतंक से परेशान एक बेटी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद को आग लगाकर मौत को गले लगा लिया, वहीं बुलंदशहर में एक बेटी को अगवा कर हैवानों ने उसकी इज्जत का गिद्धा भोज किया। हापुड़ में भी एक बेबस बेटी का अपहरण कर उसकी आबरू लूटी गई। तो सीएम के कर्म भूमि गोरखपुर जहां तीन दिनों का महोत्सव चल रहा है, जहां नाच गाना मस्ती हो रही है, उसी गोरखपुर में जिल्लत की आग में झुलसती एक बेटी ने दम तोड़ दिया। लड़की हमारे मर हिंता के मार आकर घरे आग लगा लिया। अब फिर घर पर लिख कर पेपर अभी बताइए कि हम लिख के पेपर हम टीवी पाप रखे हैं कि हम जर जाने मर हम हमारे साथ बलात्कार लोग कर दिया है, हम उन्हें दिखाने लायक हैं, हम आग लगा जर जाएंगे। तो हम लड़की की बोल के कहीं हम चली गई नहीं, लड़की आग लगा ली दम से। किस किस की दास्तां सुनाए साहब, पूरा यूपी दर्द से कराह रहा है। कैसे कहे, क्या कहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ बेटियों की वो उम्मीद की लौ जो योगी सरकार के आने के बाद चली थी, आज वो पूछने को है। यूपी की हर बेटी आज पूछ रही है, क्या हुआ उन वादों का जो सत्ता में आने से पहले किए गए थे, क्या हुआ उन दावों का जो सत्ता में आने के बाद किए गए,
क्या हुआ एंटी रोमियो स्क्वाड का, क्या हुआ बेटी बचाओ अभियान का? सवालों की फहरिस्त साहब बहुत लंबी, पूछते पूछते रात भी जाएगी। बस इतना समझ लीजिए कि यूपी में महिलाएं आज भी दहशत में जीने को मजबूर हैं और सरकार सत्ता के नशे में चूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। बिल्कुल यही स्थिति है, यूपी में महिलाएं दहशत में है जीने को मजबूर और सत्ता है नशे में। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे आपका तारुफ पर आते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। प्रदीप सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत स्वागत प्रदीप जी आपका। ताहिरा हसन जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत स्वागत ताहिरा जी आपका भी। एमसी द्विवेदी साहब हैं, पूर्व डीजीपी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नवीन श्रीवास्तव जी को बैठना था, हो सकता है कहीं लेट हो गए हों, आने वाले हों। सबसे पहला सवाल उन्हीं से होता, सरकार उन्हीं की है, लेकिन अभी नहीं आए हैं। तो एमसी द्विवेदी साहब आप मुझे ये बताइए, क्या इतना ज्यादा मुश्किल है उत्तर प्रदेश में ऐसे दरिंदों ऐसे हैवानों पर लगाम लगा पाना कि वो सरकार जो इतने दावे करते नहीं थकती थी कि हम आते ही प्रदेश की सूरत बदल देंगे, महिलाएं आजाद होकर घूमने लग जाएंगी, बदमाश यूपी छोड़कर भाग जाएंगे, ऐसा कुछ हुआ है क्या सर? नहीं, ये काम आसान तो नहीं है और केवल शासन और पुलिस इस काम को पूर्णता इस अपराध को नियंत्रण नहीं कर सकती, क्योंकि सबसे पहले तो जो उत्तर ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादा घटनाएं होती है क्योंकि वहां पर महिला और पुरुष का रेशियो बहुत गड़बड़ा गया है, सारी बच्चों को पैदा नहीं होने देते। हरियाणा का भी हाल है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी हाल है। और दूसरे ये है कि जो हमारा समाज है जो बच्चों को सिखा रहा है उसमें वो भी ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से बच्चे बहुत नियंत्रण में रहे, तो ये बहुत आसान काम नहीं है। शासन को ऐसा कोई ऐसा क्लेम नहीं करना चाहिए, देखने की बात यह है कि क्या जो केसेस हो रहे हैं उनमें सही और तुरंत कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही, FIR लिखी जा रही है, अरेस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, मुकदमे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, इसकी सभी होनी चाहिए। और मैं बताता हूँ आपको, एमसी द्विवेदी साहब, एमसी द्विवेदी साहब, मेरठ और गोरखपुर, मेरठ में भी मंचलों से शहदों के आतंक से परेशान थी छात्रा, वो जाती थी स्कूल, मंचले फप्तियां कसते थे, वही मंचले जिन पर लगाम लगाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया था। उस एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया तो गया लेकिन कागजों पर दिखा, जमीन पर उसका असर नहीं दिखा, शायद इस वजह से वो सरकार की नाकामी रही। एंटी रोमियो गठन सिर्फ और सिर्फ कागज में रह गया, अगर वो होता तो मंचले मंचलाई नहीं करते, छात्रा को इतना मजबूर नहीं करते कि वो अपने आप को आग लगा लेती। कुछ ऐसा ही गोरखपुर में भी हुआ, वहां पर भी एक छात्रा ने मंचलों की शहदों की शहदा से तंग आकर अपने आप को अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और ऐसे तमाम कई किस्से हैं, ये हालिया दो किस्से हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या इसमें भी सरकार का दोष नहीं है? क्या इसमें कानून व्यवस्था का दोष नहीं है? पुलिस की मुस्तैदी न होने का दोष नहीं है? नहीं, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तो है, उसका उत्तरदायित्व तो मना नहीं करता हूं, परंतु कानून व्यवस्था अकेला इसको रोक ले ये संभव नहीं। मैं केवल ये बात इतनी कह रहा हूं कि इसमें पूरे समाज को जुटना होगा, चाहे वो सिनेमा हो, टीवी हो, जो चीजें विज्ञापन हो, साहित्य हो, कला हो, और जिस तरह का समाज है जिसमें कि बच्चे लड़कियों को भूल हत्या लड़कियों की कर दी जाती है, बच्चे लड़के ही लड़के पैदा हो रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो अगर ऐसा समाज डिस्प्रोपोर्शनेट रहेगा तो इसको कठिन होगा रोकना, बस मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन शासन का कर्तव्य है, पुलिस का कर्तव्य है कि पूरा प्रयत्न करे। ठीक है, और आपने पॉइंट रख लिया सर, मैं लौटता हूँ आपके पास, सजा दिलाए। ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास। ताहिरा हसन जी मुझे ये बताइए, पूर्व डीजीपी साहब की दलीलें आपके गले उतर रही हैं, क्या ऐसा है? क्या इतना ही मुश्किल हो गया है उत्तर प्रदेश में दरिंदों की दरिंदगी पर लगाम लगा पाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी हमारे डीजीपी साहब जो है बहुत से चैनलों पर हम साथ बैठ चुके हैं और बहुत सेंसिबल बात कहते हैं, लेकिन आज मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करूंगी। देखिए, जो आपने मेरठ की घटना बताई जहां पे लड़कियों को बराबर शोधे परेशान कर रहे थे और उसके बाद FIR दर्ज नहीं हुई, लड़की ने अपने को जला ली, घर तक वो दबंग पहुंच गए थे शोधे, उसने अपने आप को जला लिया, 6 दिन अस्पताल में रही वो, कोई नेता कोई पुलिसकर्मी उसके पास नहीं गया देखने। जब मर जाती है लोग उठाते हैं, मीडिया उठाता है, तब बात आती है। आप सोचिए
वो परिवार अपनी बच्चियों को खो रहे हैं। अरे भाई बेटी पढ़ाओ कहाँ से होगा। और उसके बाद सबसे शर्मनाक बात, डीजीसीपी साहब आपको ये समझना और सोचना होगा कि क्या कहा वहाँ के एसएसपी ने, आप देखिए क्या कहा उसने मेरठ की। उसने कहा कि प्रेम प्रसंग था, बहुत शर्मनाक बात, उस गरीब परिवार ने अपनी बच्ची खो दिया है और उस बच्ची के ऊपर करेक्टर एसोसिनेशन करते शर्म नहीं आई। थाना इंचार्ज नहीं कर रहा है, एसएसपी कर रही है कि वो माता पिता ने देख लिया था इसलिए उसने अपने को जला दिया। उसको कोई राइट नहीं है कि वो रहे अपने इस पोस्ट पे, उसको तुरंत सैक करना चाहिए, हटाना चाहिए। योगी जी अगर देख रहे हैं तो वहां पर महोत्सव न मनाए, इनको हटाएं। इस तरह के पुलिस कर्मी रहेंगे कभी भी महिलाओं पे बढ़ती हुई हिंसा नहीं रोकी जाएगी। मैं बार बार कहती हूँ, हमने बहुत लड़कर महिला थाने को का गठन कराया था और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहती हूँ सबसे ज्यादा अभद्रता हमारी महिलाओं के साथ महिला थाने में होती है। ठीक है, तो अगर कोई जवाब ले लेते हैं। नवीन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से, प्रवक्ता है बीजेपी के, बहुत स्वागत नवीन जी आपका। और पंखुड़ी पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, बहुत स्वागत आप दोनों का। नवीन जी सर, शर्म आ रही है आज आपको? ये जो स्थिति है जिस लिए आपको जनादेश दिया गया था, 325 सीटें, इतना बड़ा आपको जनादेश दिया गया था, यूपी की महिलाओं ने आधी आबादी ने बढ़ चढ़कर एक उम्मीद के साथ आपको वोट दिया था, वो उम्मीद आज टूट गई सर, आप शर्मा रही है सर? तो मेरठ की जो ये घटना हुई है ये अमानवीयता की हदें पार हो चुकी है इसमें। और मेरठ की पुलिस या थाने जिसने इसमें सही समय पर कार्रवाई नहीं की, सही समय पर कार्रवाई होती तो शायद इस पीड़िता की जान भी बच जाती और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई। तो हमारी सरकार जो है इस पर बहुत गंभीर है और निश्चित रूप से दोषी जो भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने इस घटना को डाइवर्ट करने की, छिपाने या दबाने की कोशिश की है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए अपूर्व जी, इस तरह की घटनाएं समाज में जो हो रही हैं इसमें हम सबकी भी जिम्मेदारी है, पुलिस की तो है ही है जिम्मेदारी। पुलिस की जिम्मेदारी यह है कि अगर कोई जिम्मेदारी समझते हुए सरकार क्या कर रही है सर, मुझे ये बताइए। सिर्फ एक जगह का नहीं है, बुलंदशहर में भी आपकी पुलिस ने एक नाबालिग रेप पीड़िता को 5 दिनों तक नजरबंद रखा। आज गोरखपुर में एक बेटी ने, हमारी बिटिया ने दम तोड़ दिया। मैंने चारों घटनाओं का जिक्र किया लेकिन उसमें से 3 घटनाएं ऐसी हैं जिसमें पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। इसलिए सवाल सरकार पर है क्योंकि सरकार के अधीन ही आती है वो पुलिस का पूरा अमला। ये जिस सारी जिम्मेदारियां जिस पुलिस पर है वो पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से भागती नजर आती है, तब सवाल उठते हैं सरकार की कड़ाई पर, सरकार की सोच पर। नवीन श्रीवास्तव जी, नहीं अपूर्व जी देखिए, निश्चित रूप से ये जो भी घटनाएं हुई हैं इसमें कहीं न कहीं स्थानीय पुलिस की निचले स्तर पर लापरवाही रही है। पुलिस अगर उचित समय पर काम करती इस तरह की घटनाएं नहीं होती, और हमारी सरकार इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हो इसके लिए लेके गंभीर भी है, संवेदनशील भी है, और हम निश्चित रूप से ऐसी कार्रवाई हमारी सरकार करेगी, की भी है और करेगी। घटनाएं हो रही है, इसमें मैं नहीं कर रहा हूँ डर नहीं है, कानून का डर नहीं है क्योंकि ऑफिसर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, नीचे ही क्यों कह रहे हैं। आपके पास देखिए कायरा जी, आप जो कह रही है मैं आपके बात से सहमत लौटूंगा। अपना पॉइंट रखें, उसके बाद सवालों का सिलसिला फिर से शुरू होगा। पंखुड़ी पाठक जी कुछ कह रही है। पंखुड़ी जी, जो नवीन जी दलील दे रहे हैं, सरकार आपने भी चलाई है, आपके भी सरकार के शासनकाल में खूब सारे बलात्कार होते थे, रेप होते थे, महिलाओं अत्याचार उस समय भी चरम पर थे। आज बीजेपी ने जो दावे किए थे वो दावे उनके भी खोखले साबित हुए। क्या यूपी में इतना कठिन है महिला अपराधों को रोक पाना, इतना जटिल है? अपूर्व जी देखिए, जब जिस वक्त हमारी सरकार थी और कुछ भी होता था तो इतने बड़े बड़े दावे ये लोग करते थे और एकदम से कह देते थे कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, जंगल राज है, इस तरह की बातें ये लोग करते थे। और हमने देखा कि जब इनकी सरकार आई, आपको अगर चुनाव के इनके वादे याद हो, कभी कहीं 30 दिन की डेडलाइन दी थी, कहीं 45 दिन की दी थी कि इतने दिन में हम सब ठीक कर देंगे, एंटी रोमियो का बहुत बड़ा वादा किया गया था। लेकिन आज आप हालात देखिए, पहले 4 महीने में पुलिस के जो खुद के आंकड़े थे उससे पता लगा कि कई गुना महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ गया है। तब इन लोगों ने कहा कि अभी अभी हमारी सरकार आई है, हम लोग कुछ अभी इसमें बदलाव कर रहे हैं, कुछ सुधार करेंगे। लेकिन आज जब 10 महीने हो चुके हैं, आप हालात देखिए, मैं पिछले महीने की भी बात नहीं करूंगी, अगर आप इस महीने की जनवरी के महीने को देखिए, 2 जनवरी ये देखिए आप, मथुरा का केस है, आग लगा ली एक महिला ने जो कि रेप पीड़िता थी, जब उसको न्याय। आप ये देखिए शाहजहांपुर, बंधक बना के
किस तरह से उसके घर वालों के साथ जो एक महिला थी उसको वहीं से खींचकर बंधक बना के उसके साथ बलात्कार किया गया। आप बांदा में देखिए, बांदा में यही केस हुआ। आप यहाँ पे बुलंदशहर में देखिए किस तरह से जो पीड़िता एक लड़की को उस अपहरण करके 5 दिन तक उसके साथ गैंगरेप होता रहा। 11 जनवरी मेरठ घर के अंदर घुस के लड़कियां पहले तो कहते थे कि स्कूल कॉलेज जाती है छेड़छाड़ होती है, ये 11 जनवरी मेरठ घर के अंदर घुस के छेड़छाड़ हो रही है। आज 12 जनवरी की बच्ची के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल ने बलात्कार किया है ग्रेटर नोएडा में 4 साल की बच्ची के साथ। ये हालात है, कोई एक दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन इस तरह की कोई भयानक घटना हमारे सामने नहीं आ रही। और आज भाजपा के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि समाज की जिम्मेदारी है। अगर सारी जिम्मेदारी समाज की है तो आप लोगों को क्यों चुना गया था, समाज खुद चला लेगा सर। ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन इस तरह की कोई भयानक घटना हमारे सामने नहीं आ रही। और आज भाजपा के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि समाज की जिम्मेदारी है। अगर सारी जिम्मेदारी समाज की है तो आप लोगों को क्यों चुना गया था, समाज खुद चला लेगा सरकार को। आप लोगों की सरकार आने के बाद अपराधियों के मन से किसी भी तरह का भय आज खत्म हो चुका है, अपराधी नहीं डर रहे। पहले तो खेत खलियान में हाईवे पे बलात्कार होते थे, आजकल घर के अंदर घुस के बलात्कार होते हैं। एक महिला अपने पति के साथ जा रही होती है उसको बंधक बना के उसके साथ बलात्कार कर दिया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो समस्या थी ये और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और जो उत्तर प्रदेश में इस समय हमारे नेता हैं जो सरकार चला रहे हैं वो चुनावी रैलियों में दूसरे प्रदेशों में ज्यादा दिखाई देते हैं और उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार को चलाते हुए कम दिखाई देते हैं। तो आज जो भी ये घटनाएं हो रही हैं इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार है और इस तरह ये अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। नवीन श्रीवास्तव जी, जवाब सर, जिम्मेदारी से तो बिल्कुल भागने नहीं देंगे आपको, ना हम भागने देंगे ना विपक्ष भागने देगा। देखिए, हम न कहीं भाग रहे हैं न भागने के लिए आए हैं। हमने सब विपक्ष को भगाया है और हम यहाँ पर रहने आए हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी को जो इतना प्रचंड बहुमत मिला था, कानून व्यवस्था का आधार मिला था, और अपूर्व जी हमने कानून व्यवस्था के क्षेत्र में काम किया है। घटनाएं हो रही हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन उस पर हमारी पुलिस त्वरित कार्रवाई की है। कुछ एक ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें स्थानीय स्तर पर निचले स्तर पर थानों में पुलिस ने लापरवाही की है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नहीं सर, और आपको एक चीज अपूर्व जी बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल पहले की सरकार का उत्तर प्रदेश में कानून का राज होगा और कानून के राज में अपराध करने वाला चाहे कितना बड़ा आदमी हो उसको सरकार के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने कार्रवाई की है उत्तर प्रदेश में, घटनाएं हुई है इसमें मैं इंकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। दूसरी चीज सुन लीजिए पंखुड़ी जी, आपसे बोलने तो मैं सुन रहा था, जरा धैर्य रखिए, ये हल्ला बोलने सुन लीजिए, जरा गंभीर रूप से चर्चा हो रही है, आपने बहुत ज्ञान दिया, थोड़ा ज्ञान ले लीजिए, सीख सुन लीजिए। देखिए अपूर्व जी, उत्तर प्रदेश में पुलिस अगर कहीं कुछ 19-20 कर रही है तो हम उसको ध्यान में रख रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस का जो सबसे महत्वपूर्ण काम था वह करने में हमारी सरकार सफल हुई है, संगठित अपराध को हमने रोका है। अपराधी हार्ट अटैक हो जा रहा है जेलों में, लोगों को लोग जमानत तोड़ा के जेलों में भाग रहे हैं, इनकाउंटर्स हो रहे हैं। हाँ, यह बात अलग है, कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के अतिरिक्त मैं कहना चाहता हूं कि देखिए पंखुड़ी जी, आप भी महिला हैं, आप भी परिवार के, हम सबके हैं, हम सबको राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, पुलिस कार्रवाई नहीं की है तो पुलिस के जो जिन अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की है उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और करेंगे हम। लेकिन हमको आपको, आपने कहा कि भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं समाज पर, क्या समाज की यह जिम्मेदारी नहीं है? अगर 5 वर्ष की बच्ची किसी स्कूल में पढ़ने जा रही है वहां उसका यौन शोषण हो रहा है, एक कोच अपने अंतर्गत खेलने वाली किसी खिलाड़ी का यौन शोषण कर रहा है, घर में हो रहा है, तो इसके लिए हम सबको भी एक सिस्टम, एक अवेयरनेस करनी पड़ेगी। हम जब बेटी की बात करते हैं कि बेटी घर से बाहर निकले तो बेटी ऐसे करे, बेटी वैसे करे, हमको आपको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अपने बेटों को भी सिखाना पड़ेगा हमको क्या करना है। ठीक है, सरकार पुलिस की अपनी जिम्मेदारी है, उम्मीद छोड़ी थी अपनी जिम्मेदारी में, सरकार से उम्मीद छोड़ दे, कार्रवाई होगी, फिर हम यही माने जो चलता आ रहा था वही चलता रहेगा। समाज के ऊपर जिम्मेदारी डाली जा रही है, सामाजिक भागीदारी की जरूरत है, वो ना पहले हुई थी ना आगे होगी ना अभी हो रही है। तो फिर पूरी जिम्मेदारी अगर समाज की ही है, सरकारें सिर्फ ये कहकर कि समाज की भी जिम्मेदारी की जरूरत है, समाज की जिम्मेदारी की जरूरत है, अपने आप को उसके पीछे रख रही है, तो फिर हम उम्मीद ही छोड़ दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपराधी घटनाएं, जो भी अपराधी घटनाएं हुई अति निंदनीय है, ऐसी घटनाएं एक भी होती है तो वह हमारे लिए शर्म की बात है, हमारी सरकार के लिए शर्म की बात है। लेकिन
घटना होने के बाद अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है या समय रहते पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो यह गंभीर विषय है। और जो भी अधिकारी आपका खौफ नहीं रहा है सर, आपका खौफ नहीं है, अभी भी 10 महीने हो चुके हैं, आपने आते ही बोला था, लेकिन आपके जितने दावे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री के जितने भी दावे हैं वो जमीन पर दिख नहीं रहे। आपने कहा था हमारे आते ही बदमाश यूपी छोड़कर चले जाएंगे, कोई नहीं गया। अभी भी पुलिस में वो खौफ ही नहीं है, पुलिस वालों में वो खौफ ही नहीं है। पुलिस वाले अभी भी वही ढिलाई बरत रहे हैं जो पहले बरतते थे सर। डीजीपी साहब से सवाल हो गया, एमसी द्विवेदी साहब, क्या बदलाव हुआ है सर, क्या बदलाव हुआ है? और अगर बदलाव हुआ है तो मुझे सारी चीजें रोज क्यों सामने आ रही है? क्या पुलिस प्रशासन मजबूत हुआ है पहले के मुताबिक? उत्तर प्रदेश पहले के मुताबिक पुलिस प्रशासन बनने के बाद क्या सर जमीन पर काम हुआ है, कड़ाई हुई है सर? अगर एक भी अपराध की घटना की गई होगी ठीक है सर, ठीक है नवीन जी आऊंगा आपके पास, नवीन जी लौटूंगा, बिल्कुल नवीन जी लौटूंगा आपके पास, रोका जा रहा है, हम कार्रवाई लौटूंगा सर, बिल्कुल हो रहा है, लौटूंगा। एमसी द्विवेदी साहब उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों को देखते हुए, महिला सुरक्षा को देखते हुए, महिलाओं के साथ बढ़ते अत्याचार को देखते हुए जो होना चाहिए था वो हुआ है क्या? देखिए जो क्लेम किया गया कि हम ऐसा अपराध एकदम समाप्त कर देंगे या एंटी रेवेन्यू समाप्त कर देगा, वो क्लेम गलत था। ये ऐसा क्लेम एक तो कोई शासक को या प्रशासक को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपराध ऐसी चीज नहीं है कि किसी डेडलाइन से खत्म कर दिया जाए, ऐसा संभव ही नहीं कभी भी है। तो क्लेम तो गलत था लेकिन प्रयत्न किया गया है मैं समझता हूं। दूसरी बात, मुख्य बात यह है कि इसकी स्टडी होनी चाहिए कि कितने केसेस हुए, उनमें कितने लोग पकड़े गए, सही लोग पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, वो चालान हुआ, पुलिस को सजा दिलाने का प्रयत्न किया या नहीं किया, तब हम सही निर्णय पर पहुंच पाएंगे। बजाय इसके कि वो घटनाएं हो रही, ये जो अपराध है इस तरह का घटना है एक दिन में या किसी डेडलाइन से नहीं समाप्त किया जा सकता है। अब ये कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है इसकी सभी में बिना सभी के लिए इस पर कोई बयान दे सकता हूँ कि पहले से कम हो रहा है। लेकिन अपराध हो रहा है मुझे ये बताइए अगर एक छात्रा परेशान है, उसको शोधे परेशान कर रहे हैं, और अगर शासन ने, मुख्यमंत्री ने, मंत्री ने ये कहा हुआ है, पुलिस वालों को निर्देश दिया हुआ है कि हर अपराधी के खिलाफ सख्त रुख अपनाइए, हर महिला जो भी आती है उसकी शिकायत को गंभीरता से लीजिए, तो मेरठ में जो हुआ, बुलंदशहर में जो हुआ, आपको एक बार बता भी दूं, मेरठ में भी कई बार वो छात्रा गई थी पुलिस वालों के पास, कोई कार्रवाई नहीं हुई, परेशान हो गई वो, उसके बाद जाके उसने अपने आप को आगे हवाले कर लिया। बुलंदशहर में एक नाबालिग से रेप हुआ, 5 दिनों तक पुलिस वालों ने उसको अपने यहां नजरबंद रखा। हमने जब लगातार सवाल पूछे, सवाल खड़े किए, तब जाकर उस मामले पर भी कार्रवाई हुई। तो ऊपर से तो सिर्फ दिखाने के लिए आदेश हो जाता है, नीचे अगर आदेश माना नहीं जा रहा है तो फिर किसकी कमी इसको समझे। देखिए यदि आप जो तथ्य बता रहे हैं वो पूर्णता सत्य है, मैं इस तरह देखिए किसी बात को पूर्णता सत्य नहीं मानता क्योंकि दूसरी तरफ की बात सुनी नहीं। अभी ताहिरा जी ने कहा था कि एसपी ने कहा कि वो तो प्रेम प्रसंग था, हो सकता है कि एसपी का कथन इतना इरेस्पॉन्सिबल ना हो सकता है उसमें कुछ सत्य भी हो। तो अगर लेकिन अगर आप जो कह रहे हैं यही तथ्य है तो निश्चित रूप से इसमें स्थानीय पुलिस की कुछ लापरवाही है, और जिसकी जिसने लापरवाही की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु तथ्यों का सत्यापन आवश्यक होता है, प्रायः हम एक तरफ के सत्य पा जाते हैं उसी पर अपन बहस शुरू कर देते हैं, दूसरे के तरफ आपको पॉइंट मिल गया, मुझे आपका पॉइंट मिल गया। प्रदीप जी रह गए थे, प्रदीप जी आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन माफी के साथ एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मैं आपके पास आता हूँ, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, फौरन वापस लौटते हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरक्षा, सशक्तिकरण और सम्मान के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। इसके दृष्टिगत सत्ता में आते ही प्रदेश सरकार द्वारा एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन जैसे प्रभावी कदम उठाए गए। किस काम का सीएम का ओज पूर्ण भाषण, शहर शहर हो रहा बेटियों का शोषण, आबरू की आग में जल रही बेटियां, योगी जी यूपी में बेटियों को बचाओ। बिल्कुल हर ओर से यही पुकार हो रही है, योगी जी बेटियों को बचाओ। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले एक बयान सुनवाते हैं आपको। 6 जनवरी को मेरठ में
सीएम योगी आदित्यनाथ मंच से कितना ओजपूर्ण भाषण दे रहे थे जरा आप भी सुनिए। और उसी दिन एक बेटी ने अपनी आबरू बचाने के लिए खुद को आग के हवाले कर दिया। जो पुलिस को अपराधियों से निपटने के लिए पूरी स्वतंत्रता है तो फिर किसी बाप और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। भाषणों से तो ऐसा लगता है कि बहुत ताकत झोंकी जा रही है सीएम की तरफ से, पूरे सरकारी अमले की तरफ से, और कोड़ा कसा है पुलिस वालों पर। लेकिन धरातल पर अगर ऐसा नहीं दिखता है तो सवाल सरकार की नीति पर उठेंगे। तो सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन श्रीवास्तव जी, भाषण बहुत शानदार दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसी समय पर जहां पर एक बच्ची अपनी जिंदगी बचाने के लिए, आबरू बचाने के लिए अपने आप को उसने आग के हवाले कर दिया। और दूसरी बात, आप जो बार बार कह रहे हैं, जो पॉइंट उठा रहे हैं, सामाजिक सामाजिक सामाजिक, चाहे मेरठ की बात हो, उसमें सामाजिकता से कोई लेना देना नहीं। शोहदे परेशान कर रहे थे एक छात्रा को, आपका पुलिस हमला कुछ नहीं कर पाया, वो पुलिस वालों के पास गई, उसने ढिलाई बरती, एंटी रोमियो स्क्वाड वहां पर नजर नहीं आया, उसने अपने आप को आग के हवाले कर लिया। बुलंदशहर में पुलिस ने 5 दिनों तक एक रेप पीड़िता को नजरबंद रखा, वहां सामाजिकता से कोई लेना देना नहीं है। ग्रेटर नोएडा में एक पुलिसकर्मी रेप कर देता है एक मासूम का, सामाजिकता से कोई लेना देना नहीं है। सर, कानून व्यवस्था कोड़ा कसा करना पड़ेगा। भाषणों में तो कोड़ा कसा दिखता है, जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा है सर? आवाज में लगता है कुछ दिक्कत है, नवीन जी की आवाज नहीं आ रही है, जल्दी से इसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं। सवाल ये गंभीर है कि जितने भी ओजस्वी भाषण दिए जाते हैं किस काम के हैं? अगर जमीन पर इन भाषणों का कोई असर नहीं होता, फायदा किस बात का है? बेटियां लगातार बेबस होती जा रही हैं, बेबसी की जंजीरों में जकड़ती जा रही हैं, उन्हें उन जंजीरों से कौन छुड़ाएगा? सवाल बड़ा है। एक ऐसी पार्टी जिसे बढ़ चढ़कर महिलाओं ने वोट दिया, इसलिए इस उम्मीद के साथ वोट दिया कि कम से कम जो पुलिस को अपराधियों से निपटने के लिए पूरी स्वतंत्रता है तो फिर किसी बाप और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सीएम ने क्या कुछ कहा आपने सुना। एक बार फिर से हमारे साथ सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन श्रीवास्तव जी,
सवाल ये उठता है कि सीएम तो अपनी तरफ से ओजस्वी भाषण देते हैं, लेकिन भाषण का जब जमीन पर असर नहीं दिखता है तो फिर इसमें किसकी खामी देखी जाए? नहीं अपूर्व जी, देखिए मुख्यमंत्री जी अनवरत काम कर रहे हैं, सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक काम कर रहे हैं। हमको जो चीज मिली थी उनको हम ठीक करने में लगे हुए हैं, चाहे प्रशासनिक अमला हो चाहे पुलिस विभाग हो। उसके बावजूद यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारी सरकार जितनी मेहनत कर रही, जितनी तत्परता से सारी चीजों को ठीक करने में लगी हुई है, कहीं न कहीं निचले स्तर पर कुछ कमियों की वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो बेहद शर्मनाक हैं। हमारी सरकार, मैं आपको बता दूं, इस पर बहुत गंभीर है, बहुत संवेदनशील है, और जिन लोगों की गलती से, जिनकी लापरवाही की वजह से इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो संविधान के अंतर्गत हो सकती है वो हम करेंगे, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो या इस तरह घटनाओं को जितना हम न्यूनतम कर सके। ठीक है अपूर्व जी, जब भी चर्चा के बीच में रुक गई थी, मेरा ये नहीं कहना है कि हम समाज की ही सब जिम्मेदारी है, लेकिन मेरा कहना है कि सबकी जिम्मेदारी है, ज्यादा जिम्मेदारी प्रशासन की है, पुलिस प्रशासन। ताहिरा जी कुछ बोलना चाह रही थी, फिर मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगा, एक बार उनको मौका दिया। ताहिरा जी जल्दी से। जी 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 जी, मेरा अपने बीजेपी के साथी नवीन जी से ये कहना है कि ये गोरखपुर जिसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, गोरखपुर और मेरठ, इस घटनाओं में समाज का कुछ लेन देना ही नहीं है। यही मैंने पॉइंट रखा। गोरखपुर में 8 महीने से छेड़छाड़ हो रही थी। इन दो घटनाओं की बात कर रहा हूं मैं, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर आप मेरठ और गोरखपुर की घटना की बात ना करें। पुलिस जो है वो स्टेट के अंदर होती है, स्टेट के अंदर होती है, घटनाएं हुई है जहाँ, अगर महिलाओं के प्रति उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है वहाँ पर घटना हुई है, वो भी संवेदनशील है। हम इतना ही काम हो रहा है, ठीक है। ताहिरा जी लौट रहा हूँ मैं। आपने अपना पॉइंट रख लिया। नवीन जी लौट रहा हूँ सर, ठीक है, कार्रवाई नहीं होती थी, लौट रहा हूँ सर। सरकार ने नवीन जी लौट रहा हूँ, एक सेकंड। लेकिन हम ताहिरा जी कार्रवाई कर रहे हैं, लड़ने से कुछ नहीं होगा सर। नहीं, अगर किसी की लापरवाही है आपके खिलाफ, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। मेरी बात सुनिए, ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। प्रदीप जी, अगर इतनी ही संवेदनशील है सरकार, इतना ही काम हो रहा है धरातल पर, इतनी ही गंभीर है सरकार जैसा कि नवीन जी कह रहे हैं, तो फिर इस तरीके की घटनाएं रोजाना क्यों सामने आ रही है? अपूर्व, देखिए सरकार गंभीर है, जोर जोर से भाषण दे रहे हैं, पूरा गंभीरता भाषण देने में गंभीरता सरकार दिखा रही है, और कानून व्यवस्था पर इसका ध्यान है ऐसा नहीं है। मोदी सरकार और योगी सरकार जब से आई है, इन्होंने कहा सबसे पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें की और एंटी रोमियो स्क्वाड चलाने की बात की। एंटी रोमियो स्क्वाड 20-25 दिन के बाद कहां सो गया, कहां चला गया, किसी को पता नहीं है। बड़ी और तमाम बातें की, महिला कॉलेजों के सामने पुलिस रहेगी, यहां पुलिस रहेगी, वहां पुलिस रहेगी। महिला अपराधों की जहां तक बात है कि 3 साल की बच्ची से लेकर के 63 साल तक की महिला तक सुरक्षित नहीं है, घर में रहने वाली महिला से लेकर प्रोफेशनल लेडी तक सुरक्षित नहीं है। और इतना ही नहीं रहा, कानून व्यवस्था कैसे चलती है प्रदेश की, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कह रहे थे कि समाज की जिम्मेदारी है, तो समाज की नहीं, कानून व्यवस्था चलती है उस सरकार की, उसके इकबाल से चलती है और पुलिस की इकबाल से चलती है। पुलिस का इकबाल तो समाप्त हो गया, अभी अभी आपके चैनल पर दिखाया जा रहा है कि मेरठ में पुलिस दौड़ा ली गई, इलाहाबाद में पुलिस दौड़ा ली गई, ये पुलिस का इकबाल है। और अपराधी कितना में आप कमजोर है, ये 2-3 दिन पहले अभी दिखाई पड़ा बांदा की जेल में एक गैंगस्टर जो बंद था, उससे मिलने उसकी पत्नी बैरक के अंदर जाती है, वहां चाय पीती है, वहां पे अलाव जल रहा होता है, जहां पे एक दिया सलाई भी अपराधी के पास नहीं होनी चाहिए, वहां पे अलाव जल रहा था और पत्नी उसकी उसके बैरक में मिलने जा रही है। ये दिखाई पड़ रहा है इस सरकार में कितना माफिया तंत्र कमजोर हो गया है, कितना नवीन जी जल्दी से जवाब। और मेरठ में आप जो कह रहे हैं हम गंभीर हैं, हम कार्रवाई करेंगे, मेरठ में भी आपने क्या कार्रवाई कर दी सर? मेरठ और लाइन हाजिर करना हो रहा है, कोई कार्रवाई होती है सर? मुख्यमंत्री जी जनपद में लाइन हाजिर करना, कोई कार्रवाई होती है क्या सर? गोरखपुर में उस समय एक बेटी वहां पे अपनी जान दे रही है, ठीक है, और जान दे रही है मुख्यमंत्री वहां पे गाने सुन रहे हैं। जब सर्वे में होता था तो तमाम लंबी लंबी चर्चाएं होती थी और गोरखपुर महोत्सव के नाम पे तमाम बातें हो रही हैं। जवाब अभी अभी पूर्व डीजीपी महोदय के बयान पे मुझे आपत्ति है, ठीक है, आपने पॉइंट रखा है, पॉइंट रख लिया, जवाब दे देता हूं। नवीन जी शुरुआत में नवीन जी प्रदीप जी की बात का जवाब, मेरे भी सवाल का जवाब, आप कह रहे गंभीर है, कार्रवाई हम कर रहे हैं, बड़े गंभीर है, संवेदनशील है, मेरठ के ही मामले में ताजा क्या कार्रवाई हो गई सर? लाइन हाजिर किया गया है, लाइन हाजिर करना कौन सी कार्रवाई होती है सर? नवीन जी इतने महत्वपूर्ण पद में आपको आपने सुशोभित किया है और इतना गंभीर बयान आपने दिया है, हमें लगता है प्रदीप जी ठीक है, आपने पॉइंट रख लिया सर, लौट रहा हूँ आपके पास सर, लौट रहा हूँ।
नवीन जी आप कह रहे हैं कार्रवाई होगी ताजा मामला है, मेरठ में ही क्या कार्रवाई हो गई सर, क्या कार्रवाई हुई सर, लाइन हाजिर करना कोई कार्रवाई होती है? नहीं नहीं देखिए लाइन हाजिर करके देखिए पूर्व जी किसी भी चीज में बिना ठीक है तथ्य आए हैं गलती है उनकी कमी है क्या है लेकिन उसकी भी जांच होती है, एक प्रक्रिया होती है वैधानिक। लाइन हाजिर इसलिए किया जाता है कि संबंधित अधिकारी उस जगह पे थाने पर न रहे ताकि जांच को प्रभावित न कर सके। और अपूर्व जी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से पीड़िता पीड़िता के परिवार हमारी समाजसेवी बहन और सबको मैं बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार किसी भी लापरवाह अधिकारी को कर्मचारी को चाहे कितना बड़ा छोटा हो बख्शेगी नहीं, उसके खिलाफ कानून के अंतर्गत जो भी सख्त कार्रवाई हो सकती होगी। कब तक कार्रवाई मुझे किया जाता है कम जांच को प्रभावित मामले में बता दीजिए आप निश्चित रूप से। अपूर्व जी मैं आपके चैनल पर विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि गलती है उनकी तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो भी कार्रवाई हो सकती है वो होगी कार्रवाई। कब तक होगी सर? लाइन हाजिर किया गया एक दो दिन तो समय दीजिए जांच होगी सक्षम अधिकारी दो दिन पांच दिन आप दस दिन बोल दीजिए लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए सर जो आप बोल के जाएंगे। निश्चित कार्रवाई होगी हमारी सरकार आने के बाद कोई ऐसा दो महीने लगातार बयान चलता है कोई कार्रवाई नहीं होती। गोरखपुर में भी बच्ची ने अपनी जान दी है 8 महीने बयानवीर लोग हैं मुख्यमंत्री महोदय बयानवीर हैं लंबे केवल पूरी ताकत भाषण देने में जोकते हैं कानून व्यवस्था से का कोई लेना देना नहीं। एक गैंगस्टर से मिलने उसकी पत्नी बैरक के अंदर जा रही है जी पार्टी के प्रवक्ता का ठीक है नहीं आ रहा। ठीक है प्रदीप जी आऊंगा आपके पास आऊंगा प्रदीप जी आऊंगा आपके पास ताहिरा जी को अपना पॉइंट रखने दीजिए जी। ताहिरा जी पता नहीं जिस गैंगस्टर का नाम ले रहा है वो एक विधायक भी है और विधायक से मिलने एक एक करके अपना पॉइंट रखें ताकि लोगों को समझ में आ सके क्या सवाल हुए क्या जवाब हुए। ऐसे नहीं चलेगा बड़ा गंभीर मुद्दा है आप सबसे गंभीरता की उम्मीद रखता हूं सर मैं। ऐसे नहीं चलेगा आप ऐसे नहीं चलेगा जी। पंगुड़ी जी अपना पॉइंट रख रही है ठीक है जी। पंगुड़ी जी पंगुड़ी जी के पास पंगुड़ी जी किसी तरह से प्रायोरिटी पे रखा ही नहीं जाता। अपूर्व जी देखिए ये जो सरकार है और ये जो लोग हैं ये लोग प्रचार और भाषणबाजी में सबसे अव्वल हैं। अगर आप इनकी भाषणबाजी देखेंगे इनका प्रचार देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कौन सा इतना बड़ा बदलाव होने वाला है जिसके बाद चीजें बिल्कुल उलट जाएंगी बिल्कुल इस तरह का एक सुधार आ जाएगा। लेकिन जब धरातल पे काम करने की बात आती है तो वहां पर इनका सारा सिस्टम फेल हो जाता है। आप देखिए जो सबसे बड़ी इनकी स्कीम थी कि हम कैसे महिलाओं को सुरक्षित करेंगे वो एंटी रोमियो स्क्वाड थी। 10 दिन तक खूब जोर शोर से एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया गया उसका कितना प्रचार प्रसार हुआ। 10 दिन के बाद आज आप देखिए आप उत्तर प्रदेश में किसी भी शहर किसी भी कस्बे में निकल जाइए आपको कहीं पर भी एंटी रोमियो स्क्वाड नहीं दिखाई देगा। और एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पर भी जो जैसा कि बोल रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता लोगों के साथ उत्पीड़न किया गया। आप देखिए एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पर पुलिस काम नहीं कर रही थी कहीं बजरंग दल कहीं आप दूसरों की आवाज दबा कर आज एंटी महिला थाने में भी अगर आप जाएंगे आप रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते ये उत्तर प्रदेश की सच्चाई है। और एंटी रोमियो स्क्वाड आपको कहीं किसी बड़े शहर में भी नहीं मिलेगा। भाई प्रदीप जी नवीन जी आप लोगों से गंभीरता की उम्मीद कर रहा हूँ मैं सर आप लोग ये क्या कर रहे हैं पहले पूरा पॉइंट सुन लीजिए फिर देखिए कि अगर ये एंटी रोमियो स्क्वाड होता तो बीएचयू की घटना कभी हो सकती थी? अगर बनारस जैसे बड़े शहर में प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्युएंसी में देश के इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में लड़कियों के साथ अभद्रता हो रही थी और एंटी रोमियो स्क्वाड नहीं था तो उससे पता लगता है कि एंटी रोमियो स्क्वाड की सच्चाई क्या है। जब इतने बड़े शहर में नहीं है तो छोटे कस्बों और गांवों में किस तरह से महिलाओं की आज हालात होंगे ये हम समझ सकते हैं। और उसके बाद से किसी तरह का पुलिस रिफॉर्म देखिए हमारी सरकार थी 1090 हम लाए थे कि गुप्त तरह से अगर कोई लड़की अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहे करा सके। 5.5 लाख महिलाओं ने उसमें अपनी शिकायत दर्ज कराई और उसका समाधान हुआ। हम लोग डायल 100 लेकर आए जिसका श्रेय आज ये सरकार लेती है लेकिन उसको बेहतर करने का काम नहीं करती। जिस डायल 100 में 10 मिनट में पुलिस को फोन उठा लेना चाहिए था। यानी आपका पॉइंट मिल गया नवीन जी आपने 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 योजनाओं को तो ले लिया
आपने पुरानी सरकार की योजनाओं को तो ले लिया, लेकिन उन्हें मजबूत करने के लिए आपने भी कुछ नहीं किया। जमीन पर उसका असर दिखे उसके लिए आपने भी कुछ नहीं किया। अगर किया होता तो क्या ऐसी तस्वीरें आती सर, ऐसी खबरें आती? कम आती सर, रोजाना इतने भरमार नहीं आती सर। नवीन जी, अपूर्व जी आवाज नहीं साफ आई, मैं सुन नहीं पाया कि क्या पंखुड़ी जी ने बोला है या आपने बोला? पंखुड़ी जी ने आरोप आप पर लगाया है कि आपने डायल 100 हो, 1090 हो, उन तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उसका श्रेय तो ले लिया, लेकिन आपने उसको मजबूत करने के लिए धरातल पर कुछ नहीं किया। अगर धरातल पर किया गया होता तो ये सवाल मेरा भी है कि अगर धरातल पर चीजों को उतारा गया होता तो ऐसी खबरें रोजाना नहीं आती, बदमाशों में खौफ होता, पुलिस का इकबाल बुलंद होता। लगता नवीन जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। द्विवेदी साहब मुझे ये बताइए, ये स्थिति कैसे सुधर सकती है सर, आपका अनुभव क्या कहता है? सरकार के प्रतिनिधि यहां पर हैं, कोई सुझाव उनके लिए इस स्थिति को कैसे सुधारा जाए, बेटियां महफूज? द्विवेदी साहब मुझे ये बताइए, ये स्थिति कैसे सुधर सकती है सर, आपका अनुभव क्या कहता है? सरकार के प्रतिनिधि यहां पर हैं, कोई सुझाव उनके लिए इस स्थिति को कैसे सुधारा जाए, बेटियां महफूज हो पाए, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ है, क्या सुधार हो सकता है, क्या सिस्टम में गड़बड़ी है? देखिए, सबसे पहले तो शासन को चाहिए या पुलिस विभाग को चाहिए कि इसकी स्टडी कराएं कि कहां किस क्षेत्र में ऐसी घटनाएं ज्यादा हैं और जो घटनाएं हुई हैं उनमें सही कार्रवाई की गई या नहीं की गई, उस कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया गया कि नहीं, अंजाम का मतलब सजा दिलवाई गई की गई, तो उसमें पैरवी केसेज में हुई कि नहीं। होता यह कि लोग गिरफ्तार भी हो जाते हैं उसके बाद में पैरवी भी निपट जाती है और फिर लोग भूल जाते हैं, उस प्रकरण को उठाते नहीं। तो पुलिस को उन पर हर प्रकरण को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए जिससे कुछ लोगों को सजा हो और दूसरों को उसका उदाहरण मिले। दूसरी बात यह है कि जो भी एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाए, चाहे डायल 100 हो, जो भी हो, उनको मजबूत बनाया जाए और इतना सक्षम हो कि वो तुरंत मौके पर पहुंच सके। वैसे मैं गांव में गया था, एक आध जगह लोगों को पूछा, उन्होंने कहा कि लोग आते हैं, मतलब अगर फोन करो तो आते हैं और कई प्रकरणों में आए हैं ये लोग, तो लेकिन ये कि अधिक अधिक सक्षम हो और जल्दी से जल्दी उस स्थान पर पहुंच सके मदद के लिए। तीसरे, जब भी कोई ऐसी घटना आती है, शिकायत आती है कि साहब ऐसा नहीं किया गया, थाने में नहीं लिखा गया, तो फिर उस प्रकरण में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जो पुलिस वालों के लिए एक उदाहरण रहो कि हम आगे से इसमें ऐसे मामलों में महिलाओं के मामले में कोई ढिलाई नहीं करेंगे, तो वो उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, ऐसी सेवा दी जाए उन्हें कि दूसरों को उदाहरण प्रतीत हो, ठीक है, तब कुछ ये इसमें कमी तब कुछ बदलाव हो पाएगा, परंतु समाज का दायित्व रहेगा। मैं पुनः रिपीट करूंगा, बिल्कुल समाज का दायित्व जरूरी है, समाज को अपनी भागीदारी करनी होगी, लेकिन सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, धरातल पर चीजों को उतारना होगा। जी ताहिरा जी, सवाल यही है कि आप जो यूपी की महिलाएं हैं कैसे अपने आप को महसूस करेंगी, कब महसूस करेंगी, क्या आप लोगों को चाहिए, यूपी की महिलाओं को क्या चाहिए, कैसे हमने महिलाओं ने कर पाएंगी? जी अपूर्व जी, निर्भया कांड के बाद हमने लड़के सड़कों पे उतर के जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन करा के एक बहुत ही मजबूत कानून बनवाया है महिला हिंसा के खिलाफ, सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ। उसमें दिया हुआ है कि अगर थाना इंचार्ज भी या कोई पुलिस कर्मी FIR दर्ज नहीं करता है तो उसी थाने द्वारा उसके पर FIR दर्ज होगी और जेल जाएगा। मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में कितने लोग गए हैं, पता करिए, एक नहीं मिलेगा गया हो। तो जब कानून का इम्प्लीमेंटेशन करने वाली एजेंसियां इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगी, मेरा कहना है कोई एक सरकार की बात नहीं है, सभी सरकारें उदासीन हैं। आपने देखा था निर्भया कांड में, या वैसे भी आप देखते हैं, आप भी सुनते होंगे कि क्या कहा जाता है, अभी योगी सरकार में ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा तो वजह क्या लगती है आपको? सोच में बताते हैं, सोच में कमी है, सोच में कमी है, या कोई कहता है कि बच्चे हैं, लड़के हैं, गलत नियत नहीं कमी है। सभी सरकारों को देखना होगा, महिला हिंसा में आपको सभी सरकारों को कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि महिला हिंसा में सभी सरकारें उदासीन है। कोई नहीं कह सकता कि हम महिलाओं के लिए हमने कुछ किया है। जस्टिस वर्मा कमेटी हम महिला संगठनों ने लड़के गठित कराई थी, किसी सरकार ने नहीं कराई थी गठित, और वो कानून जो बना था आज भी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, लक्ष्मण रेखा होना चाहिए, ड्रेस कोड होना चाहिए,
ड्रेस कोड महिला पुरुष का अलग होता है, लक्ष्मण रेखा अलग होती है, ये कौन कहता है? पुलिस को तो पता है ना कि जहाँ पार्लियामेंटेरियन जहाँ कानून बनता है उनकी सोच ऐसी है, उनकी मानसिकता ऐसी है। पुलिस के सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम नहीं होते हैं, पुलिस किस तरह से सोचती समझती है, हमारी महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन करती है। थाने में जाती है अगर कोई लड़की हिम्मत करके, पढ़ी लिखी लड़कियां, तब भी कहा जाता है कि रात में घूमने वाली लड़कियां हैं, इनके साथ ऐसा हो सकता है, अच्छी महिला बुरी महिला इसलिए बांटा जाता है। ये जितनी भी घटनाएं हालिया हुई हैं, ये चीजें हैं यूपी में जो अपराध बढ़ा उसकी वजह यही है। कन्विक्शन रेट नहीं है, कानून का डर नहीं है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो ये सब चीजें नहीं होगा तो नवीन श्रीवास्तव जी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है सर? कम शब्दों में जवाब चाहिए सर मुझे, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं नहीं अपूर्व जी, निश्चित रूप से ताहिरा जी ने जो बातें कही उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इस तरह के कोड और ये जब 5 वर्ष की बच्ची के साथ यौन शोषण होता है या 60 साल की, तो इसमें ये किसी के इस पर कुछ चीजें कही नहीं जा सकती। ये निश्चित रूप से विकृत मानसिकता जो समाज में आ गई उसका है, लेकिन पुलिस और सरकार को अपनी जिम्मेदारी का ठीक ढंग से निर्वहन अगर करेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सकती है। अगर स्थानीय थाने के सिपाही जहां पर लोग अपनी फरियाद लेके जाते हैं, थानेदार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो ऐसी दिक्कतें कम हो जाएंगी। हमारा यह मानना पूर्व जी कि कुछ जो ये घटनाएं हुई हैं, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। पुलिस के जिन अधिकारियों के प्रशासनिक जिन अधिकारियों की कमी से लापरवाही से ये हुआ है, हमारी सरकार निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, ये उम्मीद करेंगे, ये उम्मीद करेंगे। आपने जो कहा है वो कार्रवाई ऐसी होनी ठीक है। पंगुड़ी पाठक जी अपने शब्दों में कंक्लूड कर दीजिए चर्चा को, 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ, उसके बाद फिर मुझे वाइंड अप करना है। पंगुड़ी जी कोई इस तरह की घटना साहस न रखे। देखिए, जो भी पार्टी सरकार में है उसको ये बात समझनी होगी कि अब आप विपक्ष में नहीं है, आपको राजनीति और भाषणबाजी से आगे चलकर कुछ काम करने पड़ेंगे। यहाँ पर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सिर्फ प्रचार किया जाता है, जिस तरह से ये बात कही जाती है। देखिए, लूट हत्या सब जगह फेल है, फिर भी कहते हैं एनकाउंटर कर दिया, जिसपे कि मानव अधिकार आयोग ने नोटिस दिया है। तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, यानी राजनीति नहीं होनी चाहिए, भाषणबाजी नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए, धरातल पर काम होना चाहिए, तब ये तस्वीर बदल पाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का बिल्कुल हिस्सा बनने के लिए। तो बिल्कुल ये पॉइंट वैलिड है, भाषणबाजी कम करनी होगी और भाषणबाजी नहीं होनी चाहिए। भाषणबाजी की जगह अगर काम हुआ होता धरातल पर तो शायद आज तस्वीर थोड़ी सी जुदा होती। महिलाएं यूपी में कब अपने आप को महफूज करेंगी, बेटियां कब महफूज महसूस करेंगी, उस ऐतिहासिक दिन का इंतजार रहेगा। अभी फिलहाल स्थिति बहुत विकट है, दर्दनाक है, भयावह। फिलहाल इसी के साथ बिग बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।